सत्संग की आधी घड़ी, तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। सत साहिब, यदि आपने श्लोक टीवी 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। अब जीवित कैसे, ये मरना पड़ेगा। जीवित संसार को देखकर हम नहीं चलेंगे इस मार्ग पर, हम भगवान के विधान अनुसार सफर करेंगे अपना। दूसरा मरना ये है, जैसे जब हम यहाँ आने की सोचते हैं तो ये मन पता नहीं कितनी हमारे सामने समस्याएं पैदा कर देगा। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हानि हो जाएगी, फिर देख लूँगा, अगली बार देखूँगा। अब वहाँ उस समय ये विचार लाओ कि एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरा एक मित्र था, अब याद आती हैं वो बातें, कि वो नाइट सर्विस से गया, कहीं जाना था और सुबह वापस आना था, उसने घना जरूरी काम था, वो नाइट सर्विस में वो काम करने गया, दिन में समय नहीं मिलना था, इतना बिजी शेड्यूल था उसका, और वो वही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो मर गया उस समय नाइट सर्विस पे। वो बिजी शेड्यूल भी गया और भाई भी गया, परमानेंट टिकट कट गई। अब परमात्मा कहते हैं कि आप जब यहाँ आने लगो और कोई घर में कोई काम में हानि नजर आवे तो ये सोच लो कि आज मान ले मेरी मृत्यु हो जा, फिर कौन करे, फिर कहाँ जाएगा यो आठ भगवान के मार्ग में। कहते 100 काम छोड़ के भगवान की तरफ चल पड़ो, और भगवान के यहाँ 2-3 दिन जीवित मर का जो न सोच ले मृत्यु होगी, फिर भी तो कोई संभालेगा। 3 दिन में 4 दिन में जो हानि होगी वह हो लेगी, फिर जिंदे तो हैं, फिर से मान लेंगे जा करके, और जब परमानेंट टिकट कट गई तब क्या कर लोगे। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे विचार करोगे तब इस मार्ग पर बढ़ोगे आगे, नहीं तो ये काल आपने आण नहीं दे। ऐसे करते करते जुगाड़ में मृत्यु हो जाएगी, भगवान से भी गए और काम से भी गए। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि एक हमारा मित्र था, उसको हमने बहुत कहा, दास वहाँ सत्संग करने जाता था तलवंडी बाई में, फिरोजपुर जिला में, उनका हमारे गुरुजी का स्थान है वहाँ मेन स्थान। गुरुजी के जाने के बाद कुछ दिन वहाँ सत्संग करने जाया करते सेकंड संडे को, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने एक रिश्तेदार को बहुत मना किया, जिस दिन दास सत्संग करने गया था शनिवार की बात है, उनको कह रहे थे कि आप आज रुको और कल सत्संग होगा 9 से 11, गर्मियों का समय था, और आप सत्संग सुन के जाना। सह परिवार था, 2 बच्चे, 2 स्वयं थे मारुति गाड़ी में। उसने कहा कि मैंने जाकर चंडीगढ़ पहुंचना है, वहाँ मेरा एक कोई अनुबंध है, एक एग्रीमेंट होगा किसी पार्टी से, और मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, संडे को आना है, 2 बजे 1 बजे आप कह रहे हो वो पहुँचेंगे, उनको फोन फान कर देंगे, बाद में चले जाना, आप सत्संग सुनो। वो मान्या नहीं, शनिवार शाम को और प्रस्थान कर दिया चंडीगढ़ को। अम्बाला के आसपास जाकर के एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था लोडेड, और जैक लगा रखा था, पिछले व्हील निकाल रखे थे, टूट गया था। अब भाई ने इतनी स्पीड पर जा रहा था, उसने तो 5 लाख एग्रीमेंट दिखा था अगले दिन कि उनके लिए सेटिंग करूँगा, रेस्ट हाउस बुक कराऊँगा और आने वाली पार्टी को खूब रिझाऊँगा, अच्छे रेट मिलेंगे। ये सोचता हुआ जा रहा था, उस ट्रक के नीचे घुसकी हुआ मारुति कार, और जैक डिस्टर्ब हो गया, वह ऊपर पड़ गया लोडेड ट्रक, चारों मर गए, वह कार भी गई और व्यापार भी गया, भाई भी गया, सह परिवार गया। अब परमात्मा कहते हैं दुख है हमें इसका, ऐसी घटना घटने का, लेकिन मानते नहीं, ये कितना कह ले। राम नाम कड़वा लगे मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली नाराम। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84। बोलो सतगुरु देव की जय हो।
इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।